हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमेशन विद दीपक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसुबिशी एचएमआई में अलार्म डिस्प्ले कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे इसके। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, अलार्म डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ से और अलार्म डिस्प्ले यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहां से उसके बाद इस पर हमें डबल क्लिक करना है। यहां से हमें जनरेटिंग अलार्म सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम करंट अलार्म यहां पे शो करने वाले हैं। अगर हमको अलार्म हिस्ट्री दिखानी है तो ऑल अलार्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिस्प्ले टाइप फिक्स्ड की जगह हमें फ्लो सिलेक्टेड रो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। अलार्म आईडी हम बनी रहने देंगे। हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ को इनको अनचेक कर देंगे। यहाँ से मैं अकर्ड और कमेंट ही दिखाने वाला हूँ, जो भी मेरा अलार्म डिस्प्ले होगा वही मैं शो करने वाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट में जाने के बाद यहाँ से स्टेटस कर लेना है और यहाँ से अकर्ड में कौन सा वो आना चाहिए कलर, उसके हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। चेक्ड में ये भी मैं इसको रेड कर देने वाला हूँ। अभी चेक की बात करें तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ मैं वाइट रहने देता हूँ। और टेस्ट कलर की बात करें, यहाँ से मैं ब्लैक सेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब स्टाइल की हम बात करते हैं तो यहाँ से मैं लाइन कलर जो मेरा ये वाइट है, वाइट है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा से मैं जाता हूँ डिस्प्ले में और यहाँ पे अकर्ड में ये मेरा कितने डिजिट का लेना है, तो 14 डिजिट। और यहाँ पे मैं कमेंट की बात करूँ, कितने डिजिट का मेरा जो अलार्म है वो शो होना चाहिए, तो यहाँ से मैं 60 डिजिट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ डिस्प्ले रो, कितने नंबर ऑफ अलार्म शो करने हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ से मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मेरे आप देख सकते हैं डेट और टाइम भी हम फॉरवर्ड के हिसाब से ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें डेट सेलेक्ट करनी है, किस टाइप में रखनी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट विंडो में और यहाँ से कमेंट डबल क्लिक करना है इस पर। ये मेरा यहाँ पे आज की डिस्प्ले। अभी मैं इस पर यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर ऑफ कमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जी, अभी मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा, जो भी मेरा अलार्म के कमेंट हैं वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो अभी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है अलार्म की, तो यहाँ से मैं अलार्म लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा अलार्म लिस्ट हो गई और ये मेरे पीएलसी एड्रेस हो गए, जो मेरे मेमोरी बिट का एड्रेस देना है मुझे। अलार्म अगर ये M0 ऑन हो तो अलार्म डिस्प्ले 1 मेरे को शो होगा वहाँ पे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल सी। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए है। हम टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम हमको सारे कलर फिल कर लेने हैं रेड कलर में। उसके बाद हमें क्या करना है, जाएंगे अलार्म में, यहाँ से अलार्म को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करने के बाद अलार्म नेम लिख देंगे करंट अलार्म, करंट अलार्म, और यहाँ पे ओनली करंट अलार्म सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम अगर अलार्म हिस्ट्री बनाते तो यहाँ पे हिस्टोरिकल इसको रखते और यहाँ अलार्म हिस्ट्री रखते यहाँ पे, तो हिस्टोरिकल इनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता। और अलार्म आईडी मेरी बने यहाँ पे, डिवाइस में जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे अलार्म पॉइंट कितने हैं मेरे वो सिलेक्ट कर देना है। यानी कि मेरे 20 अलार्म है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। वापिस करंट अलार्म में आएंगे, डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे डिवाइस टाइप मेरी बिट रहेगी और डिवाइस सेटिंग कंटिन्यूस। तो मैंने अभी यहाँ जैसे मैं M0 यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये खुद में खुद से ही सारी बिट ले लेगा। M0 से M19 तक यहाँ पे इसने बिट ले ली है कंटिन्यूस। जब हम कमेंट भी कंटिन्यूस ही रखेंगे और डिवाइस सेटिंग भी कंटिन्यूस रखेंगे। अगर हमारी मान लीजिए कि यानी भी M19 है, उसके बाद हमें को M30 लेना है, तो इसको हमको रैंडम करना पड़ेगा यहाँ से सेलेक्ट, क्यों कंटिन्यू नहीं रह सकते यहाँ पे, रैंडम करना पड़ेगा। अगर हमको M25 यहाँ पर रखना हो, उसका अगला जो बिट होगी मेरी, इसके बाद ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद हम वापस से स्क्रीन में जाएंगे। एक नंबर है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। करंट अलार्म यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप करंट अलार्म सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ओके क्लिक करना है यहाँ से। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिमुलेट कर लूँगा। सिमुलेट करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि जिस जीएक्स फैक्ट्री का मेरा सिमुलेटर ऑन है तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट है। तो जीएक्स सिमुलेटर 3 है, यहाँ पे सिलेक्ट है। अभी ओके क्लिक कर दूंगा और इसको सिमुलेटर ऑन कर दूंगा यहाँ से। यहाँ पे मेरा अलार्म डिस्प्ले आ चुकी है। अभी मुझे क्या करना होगा, वहां से अलार्म भी टोन करनी होगी जिससे मेरा अलार्म यहाँ पे सो हो। तो भी मैं जाऊंगा GSPAC3 में, GSPAC3 जो निशुल्क का सॉफ्टवेयर है, PLC सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से मैं डिवाइस मेमोरी में जाऊंगा, यहाँ से मैं M0 सिलेक्ट करूंगा, एंटर। M0 से M9 तक मेरी यहाँ पे बिट है, तो मैं इसको ऐसे ही M0 प्रेस करूँगा डबल क्लिक, तो ये M0 मेरी ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गया अलार्म डिस्प्ले 1। जैसे ही मेरा अलार्म आया यहाँ पे सो हो गया अलार्म डिस्प्ले 1। ये मेरा कर्सर ऑन का है। अभी मैं और अलार्म जनरेट कर लेता हूँ वहाँ से।
यहाँ पे मेरे अलार्म ऑन हो चुके हैं, जो मेरा लेटेस्ट अलार्म होगा वो सबसे ऊपर सो होगा, इसी तरीके से मेरे सीक्वेंस में ऑन होते रहेंगे अलार्म। अभी हम बात करें इसकी कर्सर ऑन की, कर्सर ऑन है और अप एंड डाउन करना हो तो ये मेरे स्विच है, यहाँ से मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ। और चेक मैं करूँ तो ये चेक हो चुका है, यहाँ पे कलर ग्रीन हो गया है इसका यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ग्रीन कलर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे चेक के लिए मैंने ग्रीन कलर शो कराया हुआ है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कलर है। चेक ऑल करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, रिसेट करना हो तो यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, वहां से वापिस इनको ऑफ कर देता हूँ, तब रिसेट मैं आप करके दिखाता हूँ। अभी क्या था कि अलार्म मैंने ये होल्ड नहीं कराए थे, तो इसकी वजह से जैसे ही मैंने वहां से बिट ऑफ की तो अलार्म भी मेरे चले गए। लेकिन हम अलार्म को होल्ड कराएंगे, वहां पे होल्डिंग कराएंगे अलार्म की, तो रिसेट करने के बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। अगर हमको चेक करना हो तो यहाँ से जाएगा, चेक ऑन करना हो तो यहाँ से मेरा हो जाएगा, सेव करना हो तो यहाँ से, और रिसेट करना हो तो यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।